विंटेज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ और ये है 32 साइज का ब्लाउज और ये अस्तर का कपड़ा है। इसको एक बार धो लीजिए, धो के और इसको आयरन कर लीजिए। ब्लाउज की कटिंग करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बैक ओपनिंग है तो पहले फ्रंट का पार्ट काटेंगे। तो ये फ्रंट है, पहले फ्रंट काटते हैं। लंबाई है 15 इंच। शोल्डर है 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। और 32 ब्लाउज में 8 इंच आता है, इसका 1/4। इसमें हम 2 इंच लेते हैं लूजिंग, लेकिन ये प्रिंसेस कट है तो इसमें 3 इंच की लूजिंग लीजिए आगे के पार्ट में। तो ये हो जाएगा 11 इंच। यहाँ से लेंगे 1 इंच और इधर से 3 इंच तक पे ये ऐसे आएगा। गला लेंगे 3.5 इंच और इधर से सामने से भी 3.5 ही लेंगे। और इसको हल्का सा ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से लीजिए 10 इंच साढ़े 3 इंच और यहाँ से लेंगे फिर 2 इंच और यहाँ से लेंगे 4 इंच। और इसको इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए। अब इस कपड़ा को इस तरह से घुमा लीजिए अपने साइड, ये खुला हुआ पार्ट रखिए। अब ये इस कपड़ा के ऊपर सामने वाला को रखेंगे और गला और ये सब निशान लगा लीजिए इस तरह से।
और यहाँ से इसको एक इंच कम कर लेंगे पीछे के पल्ला में, इसको यहाँ तक ही लेंगे और पीछे लंबाई भी एक इंच कम करेंगे इससे। यहाँ से लीजिए 3.5 इंच, यहाँ से लेंगे 4 इंच। और इधर यहाँ पीछे ये बैक पार्ट ये ओपनिंग रहेगा, तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन दे लेंगे इस तरह से। यहाँ से इसको 1/2 इंच बढ़ा के ऐसे काटिए यहाँ से। अब यहाँ से आप बड़ा छोटा अपने साइज का बना सकते हैं गला। अब यहाँ से इसको नापेंगे 9 इंच और यहाँ से भी लेंगे 3.5, इस लाइन के पास से लेंगे 3.5 या इधर का 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के। आप और भी कोई शेप बना सकते हैं, इसको अभी नहीं कटिंग करेंगे, अभी यहाँ से इसको काट के निकाल लेंगे। ये है मेन फैब्रिक, ये साड़ी का है ब्लाउज। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा करके काट लीजिए।
है उठाने से सब इधर से उधर हो जाता है। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। अगर आपका ब्लाउज पीस कम कपड़ा है उसमें तो आप साड़ी के साइड से भी निकाल सकते हैं एक लंबा सा पीस, और जो आपको जितना भी चौड़ा फ्रिल लेना हो काटिए। ये है 5 इंच। इसको काट के निकाल लेंगे। अब इस ब्लाउज के बाजू की कटिंग मैं करूंगी बाद में।